नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। हेडलाइंस में आज सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। बिहार में सियासी तापमान बढ़ा, तेजस्वी बोले, आसानी से नहीं होने देंगे तख्तापलट, राज्यपाल के सामने परेड कर सकते हैं आरजेडी विधायक, पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, मनोज जरांगे का अनशन खत्म कराने पहुंचे सीएम शिंदे, 6 मांगों पर बनी सहमति। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, यहां आधे घंटे से ज्यादा रुके, चादर चढ़ाई और कवाली सुनी। राजस्थान बिहार में तेज ठंड, उत्तर प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी, हरियाणा के हिसार में पारा 2.7 डिग्री पहुंचा, दिल्ली में कोहरा, कई ट्रेनें लेट। दिल्ली एसीपी के वकील बेटे की हत्या, कर्ज नहीं चुकाने पर दोस्तों ने नहर में फेंका, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान में 9 आईपीएस बदले, एडीजीपी वीके सिंह को अब एटीएस और एसओजी का जिम्मा। यूरोप के माल्टा में भारतीयों ने मनाया गणतंत्र दिवस, दूसरा की बहुधोली मीणा भी शामिल हुई। डीग जिले के कामा में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने की व्यापारी से लूट, रुपयों से भरा बैग लूट ले गए बदमाश, सूचना पर पहुंची कामा थाना पुलिस ने घटना का लिया जायजा। बाड़मेर में हाईवे पर खड़े ट्रक ट्रेलर से 60 लाख कीमत की अंग्रेजी शराब के 649 कार्टून बरामद, ट्रक मालिक नामजद। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। प्रभास को मात देने में सफल रहे रणबीर, एनिमल के सामने फीकी रही सालार। कृति सैनन को मिला यूएई गोल्डन वीजा। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका पर 3-0 से जीत दर्ज की। WPL खेलेगी चमारी अट्टापट्टू, यूपी वॉरियर्स ने लॉरेन बेल की जगह शामिल किया। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। स्पाइस जेट ने तरजीही आवंटन की पहली किश्त में 744 करोड़ रुपए के शेयर और वारंट आवंटित किए। अंतरिम बजट की तैयारी अंतिम चरण में, सीतारमन की टीम दे रही फाइनल टच। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। शिकागो में गोलीबारी में 2 किशोरों की मौत। वर्ल्ड कोर्ट में इसराइल के खिलाफ सुनवाई, कोर्ट ने कहा फिलिस्तीनियों की सुरक्षा करे इसराइल, हमले रोकने का आदेश नहीं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।